स्वर्गीय सुश्री सविता कंसवाल। ये उत्तराखंड की दिवंगत पर्वतारोही सविता कंसवाल के माता पिता हैं। ये मैं हूँ, ये मेरी टीम है और ये हम हाइट गेन के लिए जा रहे हैं। सविता 16 दिनों में माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालू फतह करने वाली पहली भारतीय महिला थी। सविता की साल 2022 में एक अभियान के दौरान हिमस्खलन की चपेट में आने से मौत हो गई थी। उन्हें मरणोपरांत तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार से नवाजा गया। तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार 2022, स्वर्गीय सुश्री सविता कंसवाल। उनके पिता राधेश्याम कंसवाल ने राष्ट्रपति से ये पुरस्कार ग्रहण किया। इस दौरान सविता की मां की आंखों में आंसू छलक आए। सभागार में मौजूद बाकी लोगों की आंखें भी नम थी। स्वर्गीय सुश्री सविता कंसवाल ने 16 दिनों में 8000 मीटर की दो चोटियां माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालू को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही थी। उन्होंने द्रौपदी का डंडा 2 समिट पर रोप फिक्सिंग के लिए प्रमुख पर्वतारोही की भूमिका निभाते हुए हिमस्खलन में ड्यूटी के दौरान अपनी जान न्यौछावर कर दी। स्वर्गीय सुश्री सविता कंसवाल ने पर्वतारोहण और साहस कार्यकलापों की एक दशक लंबी अपनी यात्रा में अंतिम सांस तक दृढ़ता, साहस और उत्कृष्टता की एक शानदार मिसाल पेश की। स्वर्गीय सुश्री सविता कंसवाल को साहस के क्षेत्र में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों और योगदान के मान्यता स्वरूप भूमि साहस के लिए मरणोपरांत तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाता है। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं। श्री राधेश्याम कंसवाल, स्वर्गीय सुश्री सविता कंसवाल के पिताश्री। Thank you.